हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम के लिए जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर एक चैप्टर है पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब आंशिक भिन्न। तो हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं इससे संबंधित, तो उसमें साधारण प्रकार के जो आंशिक भिन्न हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे जिन ऐसे भिन्न जिनके हर में दो घात या दो घात से ज्यादा है, तो दो घात के बारे में पढ़ेंगे हम। तो चलिए करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल करते हैं। देखो यहां पर एक प्लस एक्स घात तीन है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहां पर हम इसको साधारण रूप से तोड़ लेंगे। तो खोलेंगे सूत्र से, देखो सूत्र क्या होता है मैं यहां लिख के बताता हूं आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको खोलेंगे तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र से खोलते हैं इसको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए प्लस एक्स और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस नहीं एक है तो एक का स्क्वायर एक माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से यहां पर क्या होगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इस सूत्र को आप एक तरफ लिख लिया है ना, मैंने बीच में लिख दिया इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा। अब देखो यहां पर इसको साधारण मतलब इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ना है, तो यहां पर क्या होगा ए एक्स प्लस बी, इसके नीचे तो लिखे द्विघात वाली, तो एक प्लस एक माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है ना प्लस सी बटे ए प्लस एक्स, ये हो गया हमारे आंशिक भिन्नों के रूप में तोड़ दिया। अब यहां पर यहां से हम ए बी और सी के मान निकालेंगे और निकालने के बाद में हम इसका मान इसमें रख देंगे यहां पर, तो अभी वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं, देखो मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं यहां पर। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर ये इसके नीचे है तो ए एक्स प्लस बी बटे क्या लिखना है, ये और ये दोनों समान है तो ये तो लिखना नहीं है, हमें लिखना है एक प्लस एक्स प्लस सी, सी के बटे में एक प्लस एक्स है तो उसके नीचे लिखेंगे हम एक माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नहीं 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 ये हम क्या लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक प्लस सी के साथ में लिखेंगे एक माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हमें मान निकालने किसके, ए का बी का और सी का मान निकालना है। ये मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे इस वाले समीकरण में, चलो हम इसको एक नंबर दे देते हैं, एक नंबर समीकरण में रखकर क्या निकाल देंगे हम इसकी आंशिक भिन्न निकाल देंगे। तो देखो यहां पर x बराबर क्या रखें, हम सबसे पहले x बराबर हम रख देते हैं माइनस एक, रखने पर x बराबर माइनस एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है माइनस एक प्लस एक जीरो हो जाएगी, जीरो से ये सब पूरा गुणा हो जाएगा, गुणा होने के बाद में जीरो हो जाएगा, तो इसका मान सी का मान निकल जाएगा यहां से। तो करते हैं देखो माइनस एक बराबर ये तो हो जाएगा ए गुणा माइनस एक प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस एक प्लस सी, एक माइनस माइनस एक प्लस माइनस एक का स्क्वायर, तो माइनस एक बराबर ये टर्म तो हो जाएगा जीरो इसकी वजह से प्लस सी, यहां पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक प्लस एक प्लस एक, क्योंकि ये क्या है माइनस एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा माइनस एक बराबर तीन सी, तो सी बराबर ये तीन इसके नीचे आ जाएगा माइनस एक बटे तीन, ये तो हो गया हमारे पास सी का मान। अब देखो हमें यहां पर बी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहां पर एक्स बराबर क्या लिख देंगे हम जीरो रखने पर, एक्स का मान जीरो रखेंगे तो यहां पर ए के साथ में ये जो गुणा होगा ये जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास यहां से बी का मान निकल जाएगा। तो देखो जीरो बराबर यह हो जाएगा ए गुणा जीरो प्लस बी, यहां पर जीरो प्लस एक प्लस सी का मान तो हम निकाल चुके हैं माइनस एक बटा तीन, और यहां पर इसका मान क्या हो जाएगा एक माइनस जीरो प्लस जीरो का स्क्वायर ना, तो यहां पर माइनस का एक बटा तीन बचा और यहां इस माइनस एक बटा तीन को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का एक बटा तीन बराबर, देखो ये टर्म तो जीरो हो गई, तो यहां बचा सिर्फ बी, मतलब बी का मान हमारे पास में है एक बटे तीन। अभी हमें किसका मान और निकालना है, अभी हमें मान निकालना है ए का, तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, और हम x बराबर एक रखेंगे, तो x बराबर एक रखने पर x बराबर एक रखेंगे तो देखो क्या होगा, इसका मान हो जाएगा एक बराबर ए, एक का मान एक हो जाएगा प्लस बी का मान क्या होगा एक बटे तीन, और यहां पर एक प्लस एक प्लस सी का मान क्या होगा माइनस का एक बटा तीन, माइनस का एक बटा तीन एक माइनस एक प्लस एक, तो ये तो एक से एक कट जाएगा, यहां पर एक बचेगा
और एक को जब माइनस एक बटा तीन से गुणा करेंगे तो माइनस एक बटा तीन ही होगा, तो ए ये माइनस एक बटा तीन इधर आकर प्लस एक बटा तीन हो जाएगा, और यहाँ पर ए प्लस एक बटा तीन, और यहाँ पर एक और एक दो हो जाता है ना, तो यहाँ पर नीचे लघुत्तम लेंगे तो तीन प्लस एक बटा तीन और ये दो नीचे आके गुणा हो जाएगा यहाँ पर एक बटा दो, तो ए प्लस एक बटा तीन, तो ऊपर हो जाएगा चार बटे तीन गुणा एक बटे दो बराबर ए प्लस एक बटा तीन, इससे काटेंगे तो दो बार मतलब दो बटे तीन, और ये इधर आएगा तो माइनस का एक बटा तीन बराबर यहाँ बचेगा ए, तो ए का मान निकालेंगे क्या बोलेंगे यहाँ लघुत्तम लेंगे तो दो माइनस एक मतलब एक बचेगा, एबीसी के मान आ गए। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये मान हमको लिखना है यहाँ पर ना, उत्तर ये होंगे हमारा मतलब x बटे एक प्लस x घात तीन बराबर क्या होगा ax प्लस b बटे एक माइनस x प्लस x स्क्वायर प्लस c बटे एक प्लस x, तो ये मान होंगे। अब यहाँ पर हम abc का मान लिख देते हैं, a का मान आया था एक बटा तीन x प्लस b का मान आया था हमारे पास में एक बटा तीन बटे एक माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी का मान क्या आया था माइनस का एक बटा तीन बटे एक प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो यहां से एक बटा तीन हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा एक्स प्लस एक, इसको तो रहने देते हैं ऊपर है ना, एक बटा तीन को इस तरह लिख देते हैं एक बटा तीन है ना, और यहां पर एक माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक बटा तीन एक प्लस एक्स, इस तरह लिख देते हैं इसको, तो ये हमारे इसके फाइनल उत्तर होंगे। ठीक है बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरह की अगर किसी और प्रश्नावली की वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। डिप्लोमा की पूरी बुक में अगर कोई चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो उससे संबंधित जो सवाल है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, मैं आपको जरूर करवाऊंगा। ठीक है बच्चों।